सो गाइस आज ना वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है बिकॉज मैं लेट ही उठा था, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। लेकिन भाई जो कल से न्यूज़ आई है, जो कि आपको पता ही होगा, रात को आई थी, भाई एंडी जॉय ने रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे जो WWE वो प्लान कर रही है रॉ मंडे नाइट रॉ को भाई TV-14 बनाने का, मतलब PG-13 से TV-14। पहले तो मुझे ये बताओ TV-14 किसको चाहिए भाई, मैं तो PG-13 में खुश हूँ। बाकी और भी अपडेट्स है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में, तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगला मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल आपको WWE की न्यूज़ अपडेट एकदम मिलती रहती है। चलिए आज के मार्केट अपडेट को स्टार्ट करते हैं। ऐसे बातों को शुरू करने भाई मंडे नाइट रॉ के भाई TV-14 होने के साथ में, तो आप सब जानते हो भाई मंडे नाइट रॉ छोड़ो पहले जो WWE है ना, वो पहले TV-14 में ही आती थी एटीट्यूड एरा के टाइम पे। फिर उसको भाई 2008 में जो PG-13 कर दिया गया था, बिकॉज उसमें भाई WWE के कई सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिलती है, बिकॉज बच्चे बूढ़े वगैरह सब देख सकते हो, तो भाई बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मिलती है और बहुत सारे यहाँ पे पैसा मिलता है USA नेटवर्क वालों को और WWE वालों को, इसलिए यहाँ पे जो PG-13 चलती थी। लेकिन भाई इतने सालों बाद यहाँ पे जो यूएसए नेटवर्क है, उन्होंने भाई कल रात को ही, मतलब बहुत पहले हो गई होगी ये बात, तो बाहर निकल के बाद में आई है, तो यहाँ पे भी इंटरनेट है ना मेमो मैसेज टाइप से भेजा है रॉ वालों को कि अब भाई है ना हम रॉ को करने वाले TV-14, तो आप अपना जो भाई कंटेंट है वो चेंज कर दो, TV-14 जैसा बना दो। और पहले तो न्यूज़ यही है कि ये भाई July 18 से हो जाएगा। फिर मैंने देखा भाई July 18 तो अगला मंडे नेटवर्क का एपिसोड है, लेकिन भाई फिर न्यूज़ आती है कि ये होने तो वाला है, मतलब भाई PG-13 से TV-14 होने वाली WWE का रॉ का एपिसोड, मंडे नेटवर्क का एपिसोड, ये बात कंफर्म है। लेकिन भाई 18 जुलाई से होगी ये कंफर्म नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी आप मान सकते भाई समर स्लैम तो भाई PG-13 ही जाने वाला है, उसके बाद मैं भी WWE कंसीडर कर सकती है कि हम यहाँ पे जो TV-14 कर रहे हैं। अब देखो मैं आपको है ना भाई जनरल डिफरेंस बता देता हूँ PG-13 और TV-14 में, यूँ समझ लो भाई PG-13 में भाई 13 साल से कम उम्र वाले बच्चे भी देख सकते हैं और TV-14 में 14 साल से ऊपर वाले बच्चे ही देखे तो सही रहेगा, छोटे बच्चों के लिए ये शो नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे भाई PG-13 से या TV-14 होता है ना, तो कई सारे जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट का क्लेम करना ये है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं होंगे, काफ़ी जो आपको है ना माइनर से आपके साथ भाई एक दो चेंज देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि पूरे भाई 2008 वाली फीलिंग आ जाएगी, बिकॉज ऐसा तो होगा ना तो फिर कोई बच्चा WWE देख ही नहीं पाएगा। उस टाइम तो भाई कैसे थे मुझे क्या पता, मैं भी नहीं देखता था, मैंने भी 2019 में चालू किया तो मेरे को भी तब से पता है वैसे। तो यहाँ पे भाई तो मेरे हिसाब से तो देखो PG-13 ही सही है, TV-14 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई USA नेटवर्क वालों का नुकसान है, WWE वालों का नुकसान है, पर देखो भाई उनका शो है, उनकी कंपनी वो जो चाहे कर सकते हैं। तो आप मान लो भाई एक बार के लिए, तो जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आती है कि भाई फाइनली जो मंडे नाइट रॉ है वो भाई TV-14 होने जा रहा है, कुछ कब होगा कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन होने जा रहा है। और कैसे तो भाई माइनर से चेंजेस देखने को मिल सकते, जैसे कि भाई थोड़ी बोल्ड लैंग्वेज का प्रयोग हो सकता है, बस और तो क्या होगा। देखो भाई जैसे ये न्यूज़ ब्रेकआउट हुई ना कि यहाँ पे भाई जो PG-13 से भाई TV-14 होने वाली है, तो यहाँ पे जो TV-14 है वो भाई ट्विटर पर ना ट्रेंड करने लग गया। लेकिन भाई TV-14 के साथ यहाँ पे सेथ रॉलिंस भी ट्रेंड हो रहे थे, और सेथ रॉलिंस क्यों ट्रेंड हुए थे वो मैंने देखा, तो भाई TV-14 के चक्कर में यहाँ पे जो लोगों ने ना, मतलब फैंस ही कह सकते हो, उन्होंने भाई सेथ रॉलिंस का नाम का भाई मजाक बना दिया है, उन्होंने सेथ फिंग रॉलिंस का भाई सेथ डैश रॉलिंस कर दिया है। अब वो डैश रॉलिंस क्या है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, आप देख लेना, और समझदार हो तो अभी तक समझ ही जाओगे फ्लिकिंग का उन्होंने भाई कुछ ऐप से और ही कर दिया है, जो मैं बोल तो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, और मैं ऐसे भी नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या है। लेकिन भाई सेथ फिंगर रॉलिंस का उन्होंने कुछ और ही कर दिया, आप देख भी पा रहे होंगे, आपके रिएक्शन है वो भी आप बता सकते हो। और यहाँ पे लेसल वॉट्स ने कहा है कि ये जो बातें हैं, मतलब PG-13 से TV-14 करने की, ये ऐसा नहीं कि रातों रात हो गई है, ये भाई बहुत सालों से डिस्कशन में चल रही थी, लेकिन अब लगता है भाई फाइनली ये जो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यही कुछ था TV-14 के बारे में, जितना भी था मैंने सब बता दिया है। अब बढ़ते हैं हमारी बची हुई अपडेट्स की तरफ, छोटी मोटी अपडेट्स है वैसे। वैसे बात कर लेंगे WrestleMania 39 के बारे में, तो WrestleMania 39 का जो प्रमोशनल पोस्टर है आपके साथ, तो भाई टिकट सेल्स के लिए जो पोस्टर बनाती है WWE पे पर व्यू के लिए, तो वो पोस्टर भाई निकल के आ चुका है, आप पोस्टर देख पाए होंगे। पोस्टर पे भाई हैवीली फीचर्ड है ब्रॉक लेसनर, बेकी लिंच, रोंडा राउजी, रोमन रेंस, बियांका बेलेयर एंड बॉबी लैशली, भाई चार तो भाई बी वाले सुपरस्टार है और दो हमारे जो भाई आर नाम वाले सुपरस्टार है, और यही टॉप सुपरस्टार है फिलहाल के लिए तो। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन का है, उनको भी तो डालो भाई, कोई नहीं क्या कर सकते भाई, आगे वाले पोस्टर में भी हमें शायद देखने को मिल जाएंगे। पर फिलहाल के लिए तो ये पोस्टर निकाल दिया है, और जिसको टिकट खरीदने खरीद सकते भाई 12 अगस्त से भाई टिकट सेल जो भी चालू हो जाएगी, वैसे हमें से तो कोई खरीदने वाला है नहीं। वैसे बात कर लेंगे नेक्स्ट फाइनल अपडेट के बारे में, तो ऐसा पहली बार होने वाला है कि भाई नेक्स्ट फाइनल अपडेट में यहाँ पर जो बर्थडे के बारे में बात करने वाला, पहली बार ही बोला है, और वैसे भाई तीन बर्थडे के बारे में बात करने वाले। तो पहला बर्थडे हमारे भाई बुली रे, मतलब कैसे तो भाई जो डेडली बॉयज का एक मेंबर था भाई बुली रे, जो कि भाई WWE लेजेंड है, उनका बर्थडे, अब वो हो चुके भाई 51 साल के। फिर यहाँ पे बर्थडे भाई हमारे डबल जे, मतलब जेफ जारेट का, वो हो चुके 55 साल के। और तीसरा बर्थडे हमारे चार्ली चरूसो का, आई होप कि मैंने नाम सही लिया होगा, ये पहले भाई अपनी जो भाई WWE में थी लेकिन अभी WWE से जा चुकी है, तो ये हो चुकी भाई 34 साल की। तो यही कुछ था बर्थडे के बारे में, बाइक मिलता है उसे नैडो के नैड साथ।